हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ कॉलेज। मैं जैसे वीकेंड होता है, वीकडेज होते हैं, कोई पता नहीं, एक मंथली ग्रॉसरी आप करते हैं, उसके बाद समटाइम ऐसा होता है कि एक हफ़्ते बाद भी आपको अक्सर ना वही जो बच्चों के लंच से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़्यादा यूज़ होती हैं तो वो लेनी पड़ती हैं। तो बस मैं यहाँ आई थी और एक हमारे घर के पास चक्की है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। उसके बाद बस मैं एक स्टोर पे आ गई थी, थोड़ी सी ग्रॉसरी रहती थी करने वाली, कुछ मेरी अपनी पर्सनल ग्रॉसरी भी थी, वो भी मैं आपको किसी दिन वीडियो में शो करूँगी कि मैं किस तरह अपनी पर्सनल ग्रॉसरी करती हूँ। बाकी ये कुछ बच्चों के रूटीन के बिस्किट्स और उनके लंच के लिए कुछ चीज़ें रह गई थी लेने वाली, वो बस मैं परचेज़ करने के लिए आई थी। क्योंकि मंथली तो आपकी होती ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लंच में या ऑफ एंड ऑन आपके रूटीन में ज़्यादा यूज़ होती हैं तो वो आपको करना ही पड़ता है। तो जब मैं निकलती हूँ तो और भी मैं चीज़ें चेक कर लेती हूँ कि जो फिनिश होने वाली होती हैं तो मैं वह ले लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है, फ्यूल भी बचता है और आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। वो दो ना पेप्सी स्प्राइट वाली दो लेके आओ, छोटी वाली, छोटी 28 वाली, ये वापिस रख। सो फ्रेंड्स, आज हमने सोचा क्यों ना गुड़ वाले चावल बनाए जाए। तो ये मैं बहुत अच्छा फ्रेश सा गुड़ लेके आई थी। इसमें सबसे पहले आपने गर्म पानी में गुड़ की चाशनी बना लेनी है। देखिए कितना अच्छा नीट गुड़ है, अपने अंदाजे से बनाएं, जितना आपने ज़्यादा कम बनाना है। तो बस हमने तो दो जो है पीसीस गुड़ के यूज़ किए थे गुड़ वाले चावल बनाने के लिए, इनको अलग से चाशनी बना रही थी। गुड़ वाले चावलों में पहले हमेशा अलग से चाशनी बनती है, उसके बाद फिर आप जो है ना बाकी प्रोसेस आगे करते हैं। फ्रेंड, चक्की से ये मैं थोड़ा सा ना अपने लिए गंदम वाला दलिया और थोड़ी सी शक्कर भी लेके आई थी, इसका भी मैं कुछ आपको बताऊंगी नेक्स्ट अपने कुछ वीडियोस में। तो यहाँ पे जनाब अब हमने ये किया है कि पहले ऑयल में इलायची तड़का के, वो थोड़ा सा पार्ट मैं नहीं कर सकी रिकॉर्ड जो है तड़का के, उसके बाद जब वो इलायची तड़क गई तो उसमें चाशनी जो बना ली थी हमने पानी में वो डाल दी। और ये सिंपल पान जो है हमने चावल बॉईल किए एक कन्नी कच्ची रख के, ये बहुत इजी प्रोसीजर है, इसके बताने की कोई मतलब ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। सबको पता है एक कन्नी कच्ची रख के कैसे राइस बॉईल किया जाता है। और साथ ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं गुड़ वाले चावल के लिए। तो नेक्स्ट बस ये कि जब चाशनी अच्छे से उबल जाए और पक जाए तो आप उसमें जो गुड़ वाले चावल हैं, सॉरी गुड़ वाले चावल में जो गुड़ की चाशनी बन जाए आप उसमें ये बॉयल राइस ऐड कर दें। तो बस जब चाशनी पक रही थी थोड़ी कम हो गई तो उसमें जो बॉयल राइस थे वो ऐड कर दिए हमने, और जो साथ जो ड्राई फ्रूट मैंने आपको दिखाया था वो भी साथ ही ऐड कर दिया है। तो उसमें ये होता है कि वो साथ जब पकता है तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा रहता है। उसमें ये होता है कि बच्चे भी इजीली खा लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो गरी वगैरह या बादाम थोड़े से सख्त होते हैं उनको अलग से मैंने बॉयल नहीं किया, टाइम भी सेव हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे ऐड कर दी। अब हम ये करेंगे कि इसको अच्छे से जो है ना पका लेंगे, और जब पानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खुश्क हो जाएगा तो इन चावलों को हम दम पे रख देंगे। इसमें जो एक वो है चावलों के लिए ज़रूरी है, तो कन्नी कच्ची रखे लेकिन चावल बॉयल होने चाहिए, और ये कि आपकी जो चाशनी है वो अच्छी बनी हुई हो, ज़्यादा फीका नहीं होने चाहिए। वैसे राइस क्वांटिटीज़ तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें। तो जनाब यहाँ मैंने दम खोल लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले से निखरे हमारे गुड़ वाले चावल हो गए हैं तैयार। और देखिए इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो टेस्ट भी बहुत बैलेंस था। सो फ्रेंड्स, बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे और भी इसी तरह रेसिपीज शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह।